उनकी लाइफ के तीन हैं जैसा आपने बताया एक जब केवल सन्यासी केवल सन्यासी एक जब पॉलिटिक्स में आए पॉलिटिक्स में आ गए गए सांसद हो सांसद। और तीसरा फिर मुख्यमंत्री मेरी किताब में उनका बालक जीवन उनका कॉलेज जीवन जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये तेवर क्या दस ग्यारह साल के बच्चे में होते हैं मतलब उनकी गाय को किसी ने थोड़ा हर्ट कर दिया उसके वो पट्टी बांध रहे हैं और फिर टीले पे जाए खड़े होते हैं पहाड़ पहाड़ों में रहते थे वो कोटद्वार एक जिला है एक शहर है पौड़ी गढ़वाल में

कि कोई एक व्यक्ति पीठ से राजनीति में जाएगा इसीलिए वो आए उनके गुरु भी आए आए उनके गुरु, उनके बाबा गुरु, भी बाबा, भी आए, गुरु भी बाबा गुरु गुरु भी भी थे उनके हाँ। तो इसलिए जो है ये 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 उनकी पीठ की परंपरा है इसलिए राजनीति में आए राजनीति में उनको आना था इसलिए नहीं आए दूसरा कारण राजनीति में आने का जो कहते हैं कि ये जो धारणा बनी हुई थी कि ये जो साधु सन्यासी हैं ये लोग प्रशासन नहीं चला सकते इनके बस का नहीं है ये प्रशासन में जो है उसमें फिट नहीं बैठ सकते इन, इनको जो है विकास क्या होता है योजनाएं कैसे बनती हैं कैसे बननी चाहिए ये सब बातें इन, इनको समझ में नहीं आती इनको जो अपना कोर एरिया है वही समझ में आता है उनका अच्छा। मुझे ये गलत साबित करना था अच्छा जैसे आ, जब ये कि जो है साधु सन्यासी भी अच्छा शासक हो, हो सकता है अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है अच्छा विकास करने वाला अच्छी विकास योजनाएं बनाने वाला हमारा एक उदाहरण है, है सर कोई कोई धर्म गुरु बन गया प्रशासन नहीं नहीं प्रशासन तो बनी थी वहाँ भारतीय लेकिन वाँ वाँ फेल हो गई वो हाँ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब वो सफल नहीं हो पाई या सफल नहीं होने दिया गया वो अलग एक डिबेट है लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पहली वही थी शायद धर्मगुरु जो मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद अब योगी जी बने नहीं मैं दूसरी बात कर जो आप योगी जी जब सन्यासी थे जब उनके गुरु अवैध माता अवैधनाथ जी सांसद हुआ करते थे तो योगी जी गोरखपुर में बहुत सक्रिय रहते थे और सबसे बड़ी बात यह है जो योगी जी की लोकप्रियता गोरखपुर में क्या बड़ी जो छुटभैया किस्म के तमाम अपराधी टाइप के तत्व थे ना वो योगी जी से बहुत डरते थे हुँ, क्योंकि हुँ, हु, हु, हु. उस वक्त योगी जी जो है उन्होंने स्थानीय स्तर पर उस तरह के तमाम अपराधी तत्वों से गोरखपुर को मुक्त भी किया था बड़ी बात बता रहे हैं ये जानते नहीं उस पूरे क्षेत्र और उससे उसी को उन्होंने फिर बाद में

वो जो खौफ था खौफ और लोगों के मन में जो जो खौफ भरोसा दो, दो, दो चीजें जो माफिया है उसके मन में खौफ जो आम आदमी है उसको भरोसा योगी जी तक संदेश पहुंच जाएगा तो बच जाएगा क्या करते थे ये? पहुंच जाते थे अच्छा पुलिस को भी मालूम है कि गलत काम के लिए नहीं आएंगे

कि मैं जा रहा हूं बीजेपी वालों को आना है साथ तो आए ना आना हो तो ना आए मैं अकेले जाऊंगा अच्छा और चले और पहुंचते पहुंचते वहां जो है पूरा कारवा तो गया नहीं बात है मतलब मुलायम इतना इतना नहीं, नहीं, तो तो मत में। में वो दूसरे कांड में हुई जब गिरफ्तारी हुई तो मठ से जिस पुलिस थाने में था वो ढाई किलोमीटर था आठ घंटे लग गए जनता बिज गई उसमें एक एक आदमी को पुलिस उठाती थी और एक इंच वहां के किसी और गोरखपुर से जो समय रहा होगा दो हजार सात आठ की बात है तो ऐसे बड़े किस्से हैं उनके पास ना कि वो सुबह उन्होंने अपना जनता दरबार खत्म जनता दरबार मैंने देखा है इसमें 200 300, 300 लोग आते हैं और उसमें केवल गोरखपुर के, के लोग नहीं पूर्वांचल से चले हाँ। आ रहे हैं बिहार से आदमी चला आ हाँ। रहा है जब वो सुनता है कि नॉट ओनली हिंदू उसमें तो आपको